हमारे साथ AIMIM के नेता वारिस पठान इस वक्त जुड़ रहे हैं। वारिस साहब, सबसे पहले बताइए, वैसे तो ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिख दिया कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वारिस पठान साहब, देखिए सौरभ साहब, मैं भी अभी देखा ट्वीट, बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश का हमारा सदर, कौम और मिल्लत की शान, दलितों मुस्लिमों की जुबान, इतना बड़ा आदमी सुरक्षित नहीं है, उनकी गाड़ी के ऊपर इस तरह से हमले करे जाते हैं। कहाँ क्या हो रहा है ये क्राइम का रेट का हमारे देश के अंदर, और बोल रहे क्राइम कम हो गया। अरे इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा लीडर देश के अंदर सुरक्षित नहीं? उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, मैं देख रहा हूँ टीवी के माध्यम से, मुझे सामने दिख रहा है गालियों पे गोली के निशान पड़े हुए हैं, क्या वहां पे उन लोग बोल रहे कि हथियार भी उन लोग फेंक के गए, तो किस तरह से लोग आ रहे हैं इस तरह से और फायरिंग करके चले जा रहे। मेरी भारत सरकार से, मोदी जी से आवेदन है, निवेदन है कि इमीडिएटली इस पे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, और जो भी इस गिरौनी घटिया में इन्वॉल्व है, जो भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आपके माध्यम से मैं लोगों को दरखास्त करूंगा कि हम संयम बरते। अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब ने खुद ने ट्वीट करके कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, वो दूसरी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दुआ करिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए उनकी। मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को, हमारे चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मगर देखिए साहब, देश के अंदर हालत क्या हो रही है, बड़े अफसोस की बात है कि सीनियर लीडर सुरक्षित नहीं हमारे देश के अंदर, फायरिंग करके लोग भाग जाते हैं वापस सामान छोड़ के, कहां जा रहा है हमारा देश, बताइए। चलिए थोड़ा सा बताइए। नहीं, बहुत ही संगीत और गंभीर बात है। क्या हो रहा है उनके राज्य के अंदर इस तरह के? बिल्कुल ठीक आपने कहा, बहुत ही गंभीर वारदात है। पठान साहब, इतना हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि इसमें ये बात देखने की है ना कि जिसने हमला किया उसको मालूम था कि ओवैसी जी कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि उनके साथ 3-4-5 गाड़ियां तो चलती होंगी ना जब भी वो जाते हैं प्रचार के लिए। अरे बिल्कुल बात है, मैं साथ में हूँ प्रचार में, मैंने कितने प्रचार साथ में किए, हम तो साथ में जाते हैं गाड़ियों के अंदर, अल्लाह तवक्कल, हम अल्लाह के भरोसे निकल जाते हैं, हमको यकीन होता है कि ठीक है प्रशासन है करेगी, पुलिस अपना काम रहेगी, ओवैसी साहब और हम तो कोई सिक्योरिटी भी साथ में नहीं रखते, अरे हमको सिक्योरिटी भी नहीं होती, हम तो चले उनकी अपनी कोई पर्सनल सिक्योरिटी भी नहीं रखते, वो कहाँ रखते हैं पर्सनल सिक्योरिटी, बताइए। मैं आपको मेरे 50 फोटो भी दिखा सकता हूँ आपके टीवी के चैनल के ऊपर, जब मैं असद भाई और ड्राइवर 3 जन एक गाड़ी में बैठे हुए होते, हम लोग जाते हैं दूर दूर, हम चले गए लखनऊ से काफी दूर, बरेली तक चले गए, वाराणसी तक चले गए गाड़ियों में, यही हाईवे पे जाते हैं हम लोग, मगर हमको ऐसा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो क्या है, देश का माहौल बिगाड़ने वाली बात हो रहा है, ये कौन कर रहा है, कौन इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। किसी के साथ भी हो सकता है, अगर इतना बड़ा देश का नेता अगर आज सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में सौरभ भाई, तो बताइए वारिस पठान की क्या सुरक्षा। सर मैं भी जाऊं अगर यूपी के अंदर, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कौन जवाबदारी लेगा, चलिए बताइए इसका सबका। नहीं मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे, गलत हुआ खंडन करते, चुनाव में तो देखिए, चुनाव में तो हर नेता जाता है, लोगों के बीच में जाता है, हर व्यक्ति जाता है, हर पार्टी का आदमी जाता है, और वहां अगर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है तो बहुत गंभीर बात है, मैं सहमत हूं आपसे, बहुत बहुत गंभीर बात है सौरभ भाई, इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी हम तो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग रोज रस्तों पे जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं सौरभ साहब, तो गलत है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, चलिए, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं सौरभ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी ठीक, जी ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।